नमस्कार, बजट 2021-22 से संबंधित इस वीडियो में आपका स्वागत है। इससे पहले हमने यह देखा था कि बजट 2021-22 में जो प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं वह 6 स्तंभों पर आधारित हैं, और यह जो 6 स्तंभ हैं उसमें से हमने पहला स्तंभ स्वास्थ्य एवं खुशहाली, इस पर हमने चर्चा कर ली है। इस वीडियो में हम दूसरे स्तंभ यानी कि भौतिक एवं वित्तीय पूंजी और अवसंरचना, इस पर चर्चा करने वाले हैं। तो चर्चा को विस्तार देते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के आकार निर्माण की अगर हम बात करें तो वर्तमान में भारत सरकार के द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था के आकार निर्माण से संबंधित जो लक्ष्य रखा गया है वह लक्ष्य कितना है? $5 ट्रिलियन का। और इस $5 ट्रिलियन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार के द्वारा अलग अलग आर्थिक क्रियाकलापों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, और इन्हीं आर्थिक क्रियाकलापों के प्रोत्साहन में एक क्षेत्र है, वह है विनिर्माण क्षेत्र। विनिर्माण क्षेत्र $5 ट्रिलियन के लक्ष्य को प्राप्त करने में अपनी निर्णायक भूमिका को निभाए, इसके लिए यह आवश्यक है कि विनिर्माण क्षेत्र की जो वृद्धि दर है वह दहाई अंक में हो, मतलब कि डबल डिजिट में हो। दूसरा कि भारत की जो विनिर्माण इकाइयां या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाए। किस संदर्भ में? वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के संदर्भ में। और तीसरा कि विनिर्माण क्षेत्र में मौजूद कंपनियां ना केवल अपनी विशिष्ट क्षमता का प्रयोग करें बल्कि उत्पादन की प्रक्रिया में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का भी इस्तेमाल करें। तो यहां पर अगर इन सारे पहलुओं पर विचार किया जाता है तो विनिर्माण क्षेत्र की भी भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो जाएगी $5 ट्रिलियन के लक्ष्य को प्राप्त करने में। अब ये कि $5 ट्रिलियन के लक्ष्य को प्राप्त करने में विनिर्माण क्षेत्र की भूमिका महत्वपूर्ण हो, इसके लिए सरकार के द्वारा 13 सेक्टरों में PLI स्कीम, मतलब प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की घोषणा की गई है। अब यह जो PLI स्कीम है इसकी शुरुआत वित्त वर्ष 2021-22, मतलब जो आने वाला वित्त वर्ष है उसमें इस योजना को प्रारंभ किया जाएगा, जिसके अंतर्गत अगले 5 वर्षों में लगभग 1.97 लाख करोड़ रुपए की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है। आखिर इससे किस लाभ की प्राप्ति होगी, तो जरा उस पर गौर कीजिए। पहला कि महत्वपूर्ण सेक्टरों में व्यापक उत्पादन स्तर हासिल होगा, जैसे इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र, मोबाइल क्षेत्र, तो इसमें क्या होगा कि पूर्व की तुलना में जो उत्पादन का स्तर है उसमें वृद्धि होगी। दूसरा, वैश्विक दिग्गजों का सृजन होगा। आखिर यह क्या कहना चाहता है? यहां यह कहने का अर्थ है कि भारत में विनिर्माण के क्षेत्र में नई उद्यमशीलता देखने को मिलेगी, नए उद्यमी हमें देखने को मिलेंगे, और फिर देश के युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो मतलब यहां पर यह है कि ना केवल वृद्धि दर में बढ़ोतरी करनी है बल्कि एक ऐसे वृद्धि दर की संरचना को स्थापित करना है, एक ऐसी नीति को स्थापित करनी है जिसमें कि युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार मिले, जो भारत जैसे देश जहां पर कि जनसांख्यिकी लाभांश की स्थिति है, यहां पर यह काफ़ी जरूरी है। तो हमने PLI स्कीम को देखा, अब हम देखते हैं किसको कि वस्त्र के क्षेत्र में बजट 2021-22 में क्या प्रस्ताव किया गया है। तो एक योजना की शुरुआत की घोषणा की गई है, वह योजना कौन सी है? मित्र, मतलब मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क्स मित्र। वस्त्र उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कितना महत्वपूर्ण है उसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि वस्त्र उद्योग की ना केवल बड़े पैमाने पर रोजगार देने की क्षमता है बल्कि रोजगार के क्षेत्र में जो लैंगिक भेदभाव है उस लैंगिक भेदभाव को भी कम करने में यह क्षेत्र काफी कारगर हो सकता है। अब इस मित्र यानी मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क्स, इस योजना की जो शुरुआत की गई है, आखिर इसका क्या उद्देश्य है? तो जरा उद्देश्य देखिए। पहला,
जो वस्त्र उद्योग है, जो हमारा टेक्सटाइल सेक्टर है या एपरल सेक्टर है, दोनों की मैं बात कर रहा हूं यहां पे, मतलब वस्त्र उद्योग भी और परिधान भी, मतलब जिस तरह के कपड़े जो हम पहनते हैं उसकी बात, तो वस्त्र उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना, भारतीय कपड़ों की मांग वैश्विक स्तर पर बढ़े, भारतीय कपड़ों की गुणवत्ता वैश्विक स्तर पर जो अन्य कंपनियां हैं, जो अन्य देशों के द्वारा तैयार जो उत्पाद हैं उसके समकक्ष हो, तो उसके अनुकूल एक प्रतिस्पर्धी वातावरण बनाना। दूसरा कि बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करना, क्योंकि हमें ये पता है कि बिना निवेश के, बिना पूंजी के हम अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसीलिए बड़े पैमाने पर निवेश को आकर्षित करना। और तीसरा क्या कि रोजगार सृजन को बढ़ावा देना। तो अभी तक हमने क्या देखा है कि हमने दो स्कीम की बात की है, एक तो PLI की हमने बात की, दूसरा हमने इस मित्र योजना की बात की। तो कमोबेश देखिए क्या है कि ना केवल आर्थिक क्रियाकलाप जो है देश में उसमें विविधता को लाना, बल्कि रोजगार का भी सृजन हो उसको सुनिश्चित करना। अब मित्र योजना की क्या विशेषता है उसे देखिए, लगाओ और चलाओ सुविधाओं से युक्त विश्व स्तरीय अवसंरचना का निर्माण। आखिर क्या होता है लगाओ और चलाओ, मतलब प्लग एंड प्ले फैसिलिटी, आखिर ये क्या है? तो प्लग एंड प्ले फैसिलिटी का मतलब यहां पर ये होता है कि एक औद्योगिक इकाई को स्थापित करने के लिए जो महत्वपूर्ण आवश्यकताएं होती हैं, जैसे बिल्डिंग की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, वाटर सप्लाई की बात करें, सुवेज सिस्टम की बात करें, तो वह बना बनाया होगा, कंपनी को आना है और अपने यूनिट या अपने प्लांट को वहां पर स्टेब्लिश करना है। यही कार्य चीन के द्वारा किया जाता रहा है, यही कारण है कि विनिर्माण क्षेत्र में चीन की वैश्विक स्तर पर धाक है। आगे देखिए कि 3 वर्षों में 7 वस्त्र पार्क स्थापित किए जाएंगे, ये जो मित्र योजना है उसकी विशेषताओं की यहां पर बात हो रही है। अब हम आते हैं किस पर, अब संरचना पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर। दो स्कीम की हमने बात कर ली, PLI स्कीम को हमने देखा, हमने मित्र योजना को देखा, अब हम बात कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। जरा इंफ्रास्ट्रक्चर पर गौर कीजिए। देखिए हमें यह पता है कि दिसंबर 2019 में वित्त मंत्री के द्वारा अवसंरचना से संबंधित एक महत्वपूर्ण घोषणा की गई थी, और वह क्या है, वह राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन, यानी NIP, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की अगर हम बात करें तो यह अवसंरचना से संबंधित एक योजना है जिसमें 102 लाख करोड़ रुपए का परिव्यय या आउटले इसका बनाया गया है। इसमें जहां केंद्र सरकार शामिल है, वहीं राज्य सरकार और निजी क्षेत्र को शामिल करने की भी बात की गई है। केंद्र और राज्य दोनों बराबर का योगदान देंगे, 39% और शेष जो है 22% इसका योगदान होगा, निजी क्षेत्र का योगदान होगा। जब NIP की घोषणा की गई थी तब 6,835 परियोजनाओं को उसमें शामिल किया गया था। अब इस परियोजना का विस्तार कर दिया गया है और विस्तार करते हुए परियोजनाओं की संख्या को बढ़ा दिया गया है जो 7400 तक पहुंच गई है। अभी तक कितनी परियोजनाओं को पूरा किया जा चुका है, तो 217 परियोजनाओं को पूरा किया जा चुका है, जिस पर लागत की अगर हम बात करें तो यह 1.10 लाख करोड़ रुपए तक की लागत उस पर आई है। अब देखिए कि जो हमने यहां पर लागत की बात की, पहले की तुलना में NIP के अंतर्गत परियोजनाओं की संख्या बढ़ी है, हमें यह पता है, ठीक है। जब परियोजनाओं की संख्या बढ़ेगी इसका मतलब है कि इस पर लागत भी बढ़ेगी, यह भी सही है, ठीक है। अब संरचना से संबंधित निर्माण कार्य को पूरा कराना अत्यंत आवश्यक है, वह इसलिए क्योंकि जब अवसंरचना से संबंधित निर्माण कार्य किसी भी देश में किया जाता है तो यह ना केवल एक देश के जो पूंजीगत प्राप्ति होती है उस पूंजीगत प्राप्ति को बढ़ाता है, कौन, अवसंरचनात्मक जो चीजें होती हैं वो, उसके अलावा यह बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन में भी सहायक होता है। उसके अलावा अगर मान ले कि कहीं बड़ा कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है तो उस पर देखिए क्या क्या, उस पर सीमेंट वो लगने वाली है, विद्युत उसका खर्च होगा, तो कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे कोर इंडस्ट्रीज की अगर बात करेंगे तो कोर इंडस्ट्रीज में
जो मांग है वो पहले की तुलना में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो फिर जो कोर इंडस्ट्रीज हैं, सीमेंट से संबंधित, विद्युत उत्पादन से संबंधित, पेट्रोलियम से संबंधित, कोयला क्षेत्र से संबंधित, तो यहाँ पर अगर पहले की तुलना में मांग बढ़ेगी तो यहाँ भी अतिरिक्त रोजगार का सृजन होगा। इसीलिए अवसंरचना पर ध्यान देना अत्यंत ही आवश्यक होता है भारत जैसे विकासशील देशों के संदर्भ में, क्योंकि यह आर्थिक क्रियाकलाप को भी बढ़ाता है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो उससे संबंधित जो वातावरण है उसका भी निर्माण करता है। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि जब सरकार का राजकोषीय घाटा बढ़ता चला जा रहा है, राजकोषीय घाटा का अर्थ यहाँ पर यह है कि सरकार के आय की तुलना में जब सरकार का व्यय ज्यादा हो, और उस स्थिति में जहां पर कि अवसंरचना पर भी खर्च करना आवश्यक हो तो सरकार अतिरिक्त पैसे लाएगी कहां से, अवसंरचना के लिए आवश्यक जो वित्तीय आवश्यकता है उसको पूरा कैसे करेगी। तो उसके लिए देखिए यहां पर क्या किया गया है, उसके लिए यहां पर है कि अवसंरचना के वित्त पोषण के लिए विकास वित्त संस्थान की स्थापना की बात बजट में की गई है। इस विकास वित्त संस्थान को स्थापित करने के लिए एक विधेयक भविष्य में लाया जाएगा, और इस विकास वित्त संस्थान को स्थापित करने के लिए बजट में 20,000 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। और यह जो विकास वित्त संस्थान है जिसकी स्थापना की जाएगी, उसके माध्यम से क्या कराया जाएगा, उसके माध्यम से यह होगा कि 3 वर्षों में जब इसकी स्थापना होगी तो अगले 3 वर्षों में कम से कम 5,00,000 करोड़ रुपए बाजार से ऋण के रूप में प्राप्त किए जाएंगे। मतलब यह जो DFI है वह अगले 3 वर्षों में बाजार से 5,00,000 करोड़ रुपए प्राप्त करेगी, और फिर क्या करेगी उसे अवसंरचना से संबंधित जो कार्य है उसमें लगा दिया जाएगा। तो इसका लाभ यहां पर यह हुआ कि वित्तीय आवश्यकता जो अवसंरचना के क्षेत्रों के लिए है उसकी पूर्ति हो जाएगी किसके द्वारा, DFI या विकास वित्त संस्थान के द्वारा। एक तो यह तरीका किया है। जरा दूसरे तरीके पर गौर करें, वो क्या है, परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण। आखिर ये जो मोनेटाइजेशन ऑफ एसेट होता है, परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण होता है, आखिर यह है क्या। आप एक उदाहरण लें, उदाहरण यह है कि मान लें कि आपके पास पुरखों की एक हवेली पड़ी हो या संपत्ति पड़ी हो, लेकिन वो बहुत दिनों से या तो उसका प्रयोग ना किया जा रहा हो, या किया भी जा रहा हो तो जिस हद तक उसकी जिस वित्तीय प्रयोग करने की बात हो या वित्तीय रिटर्न करने की बात हो, अगर वो नहीं हो रहा हो तो फिर उस पर आप क्या करते हैं, तो फिर उस पर यह किया जाता है कि उसे किसी अन्य को दे दिया जाता है, और फिर वह जो अन्य व्यक्ति है, जो कि मान लें यहाँ पर कोई निजी व्यक्ति है, वह व्यक्ति आपकी उस पुरखों की संपत्ति को या उस जमीन को फिर वो एक्वायर करता है, लेता है, फिर उसका वह सदुपयोग करता है और आपको पहले की तुलना में उसी संपत्ति से ज़्यादा रिटर्न मिलता है। इसे हम कहते हैं परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण। ठीक इसी प्रकार सरकार के पास भी ऐसी परिसंपत्तियाँ होती हैं, जैसे मान लें कि सरकार के पास जमीन है, या मान लें कि सरकार के पास कई ऐसे रेलवे स्टेशन हैं, या सरकार के पास कई ऐसी सड़कें हैं जहां से सरकार को जितने रिटर्न होने चाहिए थे उतने रिटर्न नहीं हो रहे। तो सरकार क्या करेगी इसमें कि सरकार उन परिसंपत्तियों को निजी क्षेत्र को दे देगी एक निश्चित समय के लिए। निजी क्षेत्र क्या करेगी कि एक निश्चित राशि जो कि समझौते के अंतर्गत तय की जाएगी वह सरकार को दे दी जाएगी। फिर सरकार उस वह जो राशि प्राप्त करेगी उसका क्या उपयोग करेगी, जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के अंतर्गत परियोजनाएं हैं उन परियोजनाओं में खर्च करेगी। तो यहां जो यह लिखा है परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण, इसका यही पर अर्थ है। क्या कहा जा रहा है कि ऐसी सार्वजनिक अवसंरचना परिसंपत्तियां जो पहले से ही ऑपरेशन में है, परिचालन में है, उनको सरकार क्या करेगी, एक महत्वपूर्ण वित्त पोषण के रूप में कार्य करेगी अवसंरचना के निर्माण के लिए। इसके लिए एक राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन का निर्माण किया जाएगा कि किन किन संपत्तियों का मुद्रीकरण करना है और किन किन संपत्तियों का मुद्रीकरण करना है, इससे संबंधित जानकारी निजी निवेशकों को मिले, इसके लिए परिसंपत्ति मुद्रीकरण डैशबोर्ड का भी निर्माण किया जाएगा। और किसका सरकार मुद्रीकरण करेगी, किन परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण करेगी, तो उसका जरा हम एग्जाम्पल यहां पर देख लें कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और जो PGCIL है, PGCIL ये क्या करती है, ये विद्युत पारेषण का काम करती है, मतलब जो इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन इसका काम करती है।
तो इन दोनों के भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और PGCIL के एक एक इनविट देखेंगे आखिर ये इनविट क्या है, मैं इस पर बात करूंगा। इनविट को प्रायोजित किया है और ये क्या करेंगे कि विदेशी एवं घरेलू संस्थागत निवेशकों को आकर्षित करेंगे। अब इसके माध्यम से देखिए क्या होगा, 5,000 करोड़ रुपए के अनुमानित उद्यम मूल्य वाली 5 चालू सड़कों को किसको दिया जाएगा, जो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इनविट है इसको दिया जाएगा, और 7,000 करोड़ रुपए मूल्य की पारेषण परिसंपत्तियों को किसको दिया जाएगा, PGCIL इनविट को हस्तांतरित किया जाएगा। इसके अलावा कई रेलवे ऐसे प्लेटफॉर्म होंगे वो भी निजी क्षेत्रों को दिया जाएगा, और भी कई उदाहरण यहाँ पर मौजूद हैं। बस इसमें आपको ये बात याद रखनी है कि अवसंरचना निर्माण के कार्य में तेजी लाने के लिए आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए सरकार परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण करने वाली है। इनविट की हमने बात की, इनविट का फुल फॉर्म क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। अब इसमें क्या होता है कि मान लें अगर ये एक इनविट है, ये इनविट निजी निवेशकों के पैसों को आकर्षित करती है और फिर यहां जो पैसे प्राप्त होते हैं इनविट उसे क्या करती है, उसे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर देती है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में जब इसका निवेश होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जब काम पूरा होता है या ऑपरेशन में होता है, फिर इनविट को रिटर्न मिलता है और फिर इनविट क्या करती है कि इस रिटर्न को फिर यहां पर वापस करती है किसे, जो निजी निवेशक हैं जिन्होंने पहले इसमें निवेश किया था। यह कार्य कौन करता है, यह कार्य करता है इनविट। उसके अलावा इनविट यह भी करता है कि एक वह विशेष प्रयोजन वाहन, विशेष प्रयोजन वाहन का मतलब क्या है वो देखिए, इनविट तो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्टमेंट करती है, मान लीजिए कि सड़क निर्माण से संबंधित किसी परियोजना में इनविट क्या करेगी कि विशेष प्रयोजन वाहनों का यहां पर निर्माण करेगी, स्पेशल पर्पस व्हीकल का निर्माण करेगी, और ये जो स्पेशल पर्पस व्हीकल होगा उसके माध्यम से इस सड़क परियोजना में इनविट के द्वारा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। भारत में इनविट को जो विनियमित किया जाता है वह सेबी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट विनियमन 2014 के द्वारा इनविट को विनियमित किया जाता है। तो हमने देख लिया कि इनविट क्या है, आगे चलिए आगे बात करते हैं सड़क एवं राजमार्ग अवसंरचना, तो इससे संबंधित क्या महत्वपूर्ण घोषणा की गई वो देखिए। हमें यह पता है कि 2015 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा भारतमाला प्रोजेक्ट की घोषणा की गई। भारतमाला जो प्रोजेक्ट है उसका उद्देश्य है यहां पर कि नए राजमार्ग का निर्माण करना और वैसे राजमार्ग जो अधूरे हो चुके हैं उन्हें पूरा करना। और अगर हम मानचित्र पर गौर करें तो भारतमाला प्रोजेक्ट वो कमोबेश पश्चिम भारत से होते हुए और हिमालय तक होते हुए और ये कहां मिजोरम में भारत म्यांमार की सीमा तक जाती है, और ठीक इसके पूरक के रूप में तटीय क्षेत्रों में भारत सरकार के द्वारा कौन सी योजना चलाई जा रही है, सागरमाला प्रोजेक्ट। तो हम यहां पर क्या देख रहे हैं कि मार्च 2022 तक भारतमाला परियोजना के तहत 8500 किलोमीटर लंबी सड़कों के लिए और ठेके देगी कौन, भारत सरकार के द्वारा इसे दिया जाएगा। उसके अलावा देखिए क्या है कि सड़क अवसंरचना का और भी अधिक विस्तार करने के लिए और जो आर्थिक कॉरिडोर है इसके लिए भी योजना बनाई जा रही है, जैसे तमिलनाडु में मदुरई कोल्लम गलियारा और चित्तूर थाचूर गलियारा, ये गलियारा हो गया। फिर आगे 600 किलोमीटर लंबा मुंबई से कन्याकुमारी तक गलियारा। तो ये जो योजनाएं थी वो किससे संबंधित थी, सड़क एवं राजमार्ग अवसंरचना से संबंधित थी। आगे रेलवे अवसंरचना, रेलवे अवसंरचना के अंतर्गत इस दशक के लिए सरकार के द्वारा योजनाओं का निर्माण किया जा रहा है, मतलब एक नई योजना आएगी जिसके अंतर्गत दोनों पक्षों पर जोर दिया जाएगा। दोनों पक्ष का मतलब यहां पर यह है कि ना केवल यात्रियों के लिए नई सुविधाएं लाई जाएगी बल्कि जो माल है वस्तु उसके भी सही रूप से उनकी आवाजाही हो, रेल का ज्यादा से ज्यादा सदुपयोग किया जा सके वस्तुओं की आवाजाही में, उसके लिए भी योजना बनाई जाएगी। हमने यहां पर देख लिया 2030 तक भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक योजना को तैयार किया जाएगा। साथ ही साथ जो मेक इन इंडिया पहल है इसको बढ़ावा देने में उद्योग जगत की सहायता के लिए जो माल ढुलाई है उसकी लागत में कमी लाई जाएगी। और जून 2022 तक
ध्यान दीजिएगा, जून 2022 तक पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारा और पूर्वी समर्पित माल ढुलाई गलियारे की शुरुआत हो जाएगी। कब से? जून 2022 तक। जरा मैप में देख लीजिए, हम बात करें किसकी, यहां पर पश्चिमी जो गलियारा है उसकी, तो कहां से प्रारंभ हो रही है? दादरी से, और ये दादरी से प्रारंभ होते हुए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट तक, और अगर हम बात करें पूर्वी गलियारे की तो ये यहां लुधियाना से प्रारंभ होते हुए और ये कहां तक जा रहा है? वेस्ट बंगाल में दनकुनी तक। आगे बढ़ते हैं, शहरी अवसंरचना। शहरी अवसंरचना के अंतर्गत बजट में जो मुख्य रूप से घोषणा की गई है वह संबंधित है शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन से संबंधित, और बजट में जो घोषणा की गई है वह दो क्षेत्रों के लिए, एक सिटी बस सेवा में विस्तार देने से संबंधित है और दूसरा मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार करने से संबंधित है। अब इसके अंतर्गत देखिए यहां पर क्या बात होगी कि जो सार्वजनिक बस परिवहन है इस सेवाओं का विस्तार करने के लिए 18,000 करोड़ रुपए की लागत से एक नई योजना की शुरुआत की जाएगी, और इस योजना की जो शुरुआत की जाएगी यह PPP मॉडल पर होगा, मतलब कि इसमें सरकार और निजी क्षेत्र इन दोनों की भागीदारी होगी। जिसमें क्या व्यवस्था होगी वो देखिए कि जो निजी क्षेत्र है इन निजी क्षेत्र के परिचालकों को 20,000 से ज्यादा बसों की खरीद, उन बसों के परिचालन मतों से ऑपरेट करने, उनके रख रखाव, इनसे संबंधित जो वित्तीय आवश्यकता होगी, जो वित्तीय प्रबंधन होगी, उसकी पूर्ति इस योजना के अंतर्गत की जाएगी। इसलिए यहां पर ओवरऑल अगर हम देखें, हम क्या देख रहे हैं कि सरकार के द्वारा जो निजी परिचालक हैं उनको वित्तीय आवश्यकता की पूर्ति की जाएगी, जो उनकी वित्तीय आवश्यकता है, और फिर उस वित्तीय लाभ को प्राप्त करके जो निजी क्षेत्र हैं वो क्या करेंगे कि शहर में जो सिटी बस सेवा है उसका विस्तार करेंगे। बात करते हैं मेट्रो रेल की, तो आखिर इस योजना का क्या लाभ होगा? तो सबसे पहले तो इस योजना से इस लाभ की प्राप्ति होगी कि इससे ऑटोमोबाइल क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में पहले की तुलना में जो वाहन है उनकी मांग में वृद्धि होगी। दूसरा, युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन होगा। तीसरा महत्वपूर्ण यह है कि शहरी क्षेत्रों में रहने वाले जो आम लोग हैं उनके लिए आवागमन पहले की तुलना में अधिक आसान हो जाएगा, और इन सब का परिणाम यह होगा कि आर्थिक प्रगति की रफ्तार तेज होगी। ये तो हमने बात की सार्वजनिक बस परिवहन से जो संबंधित जो योजना जिसकी बात की गई है बजट में उससे संबंधित। अब हम बात करते हैं मेट्रो से संबंधित। सरकार ने बजट में मेट्रो से संबंधित या मेट्रो रेल सेवा को प्रदान करने से संबंधित जिस नई योजना की घोषणा की है उसके अंतर्गत सरकार मेट्रो लाइट और मेट्रो नियो इन दो नई प्रौद्योगिकी पर आधारित मेट्रो रेल सेवा परिचालन की शुरुआत करेगी। मेट्रो लाइट और मेट्रो नियो ये जो दो नई प्रौद्योगिकी है यह आम लोगों को कम कीमत पर, यूं कहें कि काफी कम कीमत पर, और पहले जैसा अनुभव देने वाली जो मेट्रो रेल प्रणाली है वही सेवा लोगों को देगी। कौन? मेट्रो लाइट और मेट्रो न्यू। और इस प्रणाली को जो चलाया जाएगा, लागू किया जाएगा, वो कहां? टीयर 2 शहरों में और टीयर 1 शहरों के आसपास के बसे इलाकों में। इन दो नई प्रौद्योगिकियों को लाने का सरकार का उद्देश्य यह है कि जो आम मेट्रो रेल प्रणाली है अगर हम उसमें भाड़ा की बात करें या यात्री भाड़ा की बात करें तो वह ज़्यादा है, और जितना भाड़ा तय किया गया है वह सभी यात्रियों के आर्थिक स्थिति के अनुकूल नहीं है। तो यहाँ पर मुख्य उद्देश्य यह है कि सभी यात्रियों के लिए या सभी आर्थिक स्तर के यात्रियों के लिए मेट्रो की सुविधा बहाल हो, इसके लिए सरकार ने मेट्रो लाइट और मेट्रो न्यू को शुरुआत करने की घोषणा की है, वो भी कहां पर? टीयर 2 और टीयर 1 शहरों के आसपास। तो यहां पर है कि वर्तमान में 8 टीयर 1 शहर हैं,
जिसमें कि बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और पुणे शामिल हैं। और टीयर टू शहरों में आगरा, लखनऊ, जयपुर, चंडीगढ़, नागपुर जैसे शहर शामिल हैं। बाकी जो शेष शहर हैं वह टीयर थ्री श्रेणी में आते हैं। मेट्रो लाइट और मेट्रो न्यू। अगर मेट्रो लाइट की हम बात करें तो यह छोटे शहरों में जो यात्री कम यात्री भाड़ा देकर परिवहन साधनों का उपयोग करना चाहते हैं तो उनके लिए काफ़ी अनुकूल है। दूसरा, इसमें जो ट्रेन होते हैं उसमें 3 कोच होते हैं और इसकी जो क्षमता होती है वह अधिकतम 25 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। मेट्रो नियो पर गौर करें, मेट्रो नियो सर्विस, इसमें इलेक्ट्रिक बस कोचेज होते हैं और उनकी जो लंबाई होती है वह 18 से 25 मीटर वेरी करती है, 18 से 25 मीटर की। और इसकी कैरिंग कैपेसिटी मतलब इसमें कितने यात्रियों की क्षमता होती है तो यह होती है 200 से 300 पैसेंजर एक समय में इस गाड़ी पर चढ़ सकते हैं, मतलब यात्रा कर सकते हैं। और इसमें जो बसेस होते हैं उसमें रबर टायर होता है और ऊर्जा के लिए रेलवे और ट्राम की तरह यह विद्युत ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। यहाँ यह तस्वीर है, इस तस्वीर को आप वीडियो को रोक कर देख सकते हैं। आगे विद्युत अवसंरचना, इससे संबंधित बजट में क्या घोषणा की गई है? इससे संबंधित महत्वपूर्ण घोषणा यह की गई है कि एक शहर में जो विद्युत उपभोक्ता है उन उपभोक्ताओं के समक्ष एक से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी डिस्कॉम कंपनी होनी चाहिए, ताकि अगर एक से ज्यादा अगर विद्युत वितरण कंपनियां एक उपभोक्ता के समक्ष मौजूद होगी तो उपभोक्ताओं के लिए यह आसान होगा कि उन दोनों में से किस एक विकल्प का चुनाव करें। और दूसरा कि इन डिस्कॉम कंपनियों के बीच भी उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एक प्रतिस्पर्धा होगी। साथ ही साथ विद्युत वितरण क्षेत्र योजना को भी प्रारंभ किया जाएगा और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह यह है कि जो डिस्कॉम कंपनी है उन डिस्कॉम कंपनी की वित्तीय आवश्यकता को पूरा किया जा सके, जैसे प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग। तो इसे अगर प्रीपेड स्मार्ट मीटर को लगाने के लिए अगर डिस्कॉम कंपनी को वित्त की जरूरत पड़ेगी तो इस योजना से उसकी पूर्ति की जाएगी। उसके अलावा 2021-22 में व्यापक हाइड्रोजन एनर्जी मिशन को भी शुरू किया जाएगा। आगे देखें, इसके अंतर्गत जो गैर परंपरागत ऊर्जा क्षेत्र है उसे और अधिक बढ़ावा देने के लिए बजट में भारतीय सौर ऊर्जा निगम में 1,000 करोड़ रुपए और भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी में 1,500 करोड़ रुपए की अतिरिक्त पूंजी लगाई जाएगी। ये तो बात की हमने ऊर्जा क्षेत्र की, अब हम बात करते हैं पत्तन, नौवहन और जलमार्ग क्षेत्र की। आपको शायद जानकर यह आश्चर्य हो कि भारत के अगर शिपिंग इंडस्ट्रीज के योगदान वैश्विक स्तर पर हम देखें तो वैश्विक स्तर पर जो अलग अलग देशों की शिपिंग इंडस्ट्रीज हैं उनके द्वारा किया जा रहा योगदान और सारे योगदानों को अगर हम एक साथ मिला दें तो भारत की शिपिंग इंडस्ट्रीज का योगदान 1% से भी कम है। तो भारतीय शिपिंग इंडस्ट्रीज के योगदान में वृद्धि हो, नौवहन के क्षेत्र में भारतीय जो नौवहन कंपनियां हैं उनकी मौजूदगी अच्छे तरीके से हो, इसके लिए भी बजट में घोषणा की गई है। सबसे पहले तो ये घोषणा की गई है कि भारत के बड़े पत्तनों का विकास किया जाएगा। तो इसके लिए 2021-22 में जो बड़े बड़े पत्तन हैं, जो पोर्ट हैं, 2000 करोड़ रुपए की लागत वाली 7 परियोजनाएं चलाई जाएंगी। और ये भी परियोजनाएं किस पर होंगी? PPP मॉडल पर होंगी। जो कमर्शियल शिप्स हैं हमारे उनकी आवाजाही बढ़े, और यहां पर यह कि कमर्शियल शिप ना केवल हमारे बल्कि विश्व में जो अन्य देशों के कमर्शियल शिप हैं उनकी भी आवाजाही हमारे यहां बढ़े और हमारे कमर्शियल शिप की आवाजाही विश्व के अन्य देशों में बढ़े। तो इसके लिए भी नई योजना की शुरुआत की गई, नई योजना की घोषणा की गई है। भारतीय वाणिज्यिक जहाजों को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक स्तर पर जो निविदाएं आमंत्रित की जाएगी उन निविदाओं में भारतीय वाणिज्यिक जहाज की भागीदारी बढ़े, इसके लिए सरकार के द्वारा वित्तीय सहायता दी जाएगी।
और यह जो वित्तीय सहायता वह 5 वर्ष के दौरान कितनी है, 1624 करोड़ रुपए की है। इसका क्या लाभ होगा? इसका लाभ यह होगा कि वैश्विक नौवहन में भारतीय कंपनियों की हिस्सेदारी बढ़ेगी, साथ ही साथ भारतीय नाविकों को प्रशिक्षण और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे। तो पत्तन, नौवहन और जलमार्ग के अंतर्गत भारत सरकार का मुख्य उद्देश्य यह है कि वाणिज्यिक जहाज के मामले में वैश्विक स्तर पर भारत को मजबूत रूप से प्रस्तुत करना। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, इसके अंतर्गत देखिए क्या घोषणा की गई है। एक तो उज्ज्वला योजना का विस्तार किया गया है और इसमें 1 करोड़ अतिरिक्त लाभार्थियों को शामिल करने की बात की गई है। साथ ही साथ अगले 3 वर्षों में 100 अन्य जिलों को सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। फिर घोषणा देखिए क्या है कि जम्मू कश्मीर में एक नई गैस पाइपलाइन परियोजना की शुरुआत की जाएगी और जो गैस पाइपलाइन से संबंधित कंपनियां हैं उन कंपनियों के बीच एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का निर्माण हो, साथ ही साथ उन कंपनियों तक सबकी पहुंच सुनिश्चित हो, इसके लिए, इसे देखने के लिए एक स्वतंत्र गैस ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑपरेटर का भी गठन किया जाएगा। अब हम आते हैं किस पर, वित्तीय पूंजी पर। वित्तीय पूंजी के अंतर्गत देखिए क्या बात कही जा रही है कि अभी तक प्रतिभूति बाजार से संबंधित जो अलग अलग कानून हैं, उन सारे कानूनों को मिलाकर एक कानून बनाया जाएगा। आगे प्रतिभूति क्या होती है, प्रतिभूति बाजार क्या होती है, अगर हम प्रतिभूति की बात करें तो प्रतिभूति यह एक ऐसा वित्तीय यंत्र है जिसके माध्यम से एक कंपनी या एक संस्था बाजार से ऋण प्राप्त करती है या पूंजी को प्राप्त करती है। और जहां पर यह घटना या अगर यह जो खरीद और बेचने की यह जो घटना होती है वह प्रतिभूति बाजार कहलाती है। तो कहने का यहां पर अर्थ यह है कि एकल प्रतिभूति बाजार संहिता का निर्माण किया जाएगा जिसके अंतर्गत सेबी अधिनियम 1992, डिपॉजिटरीज अधिनियम 1996, प्रतिभूति अनुबंध विनियमन अधिनियम 1956 और सरकारी प्रतिभूति अधिनियम 2007, इन सबको उसके अंतर्गत रखा जाएगा। मतलब इन चारों को मिलाकर एक प्रतिभूति बाजार संहिता का निर्माण किया जाएगा। अब देखते हैं दूसरी घोषणा। दूसरी घोषणा किससे संबंधित है, कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट से संबंधित। कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट का अर्थ क्या है, कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट का अर्थ यहां पर यह है कि कॉरपोरेट या निगम जिस वित्तीय यंत्र के माध्यम से बाजार से ऋण प्राप्त करती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बॉन्ड। बजट में कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट से संबंधित भी घोषणा की गई। क्या घोषणा की गई है, पहली बात तो ये कि दबाव के वक्त में, दबाव का वक्त आखिर क्या हो सकता है, दबाव का वक्त का मतलब है कि जब आर्थिक हालात अच्छे नहीं हो किसके, या तो कंपनी के या देश के, और दूसरा सामान्य समय में। सामान्य समय का मतलब यहां पर है कि जहां पर आर्थिक क्रियाकलाप सामान्य स्तर पर चल रहे, तो इन दोनों समय में, मतलब दबाव के वक्त में और सामान्य समय में, इन दोनों समयों में एक कंपनी के बॉन्ड के प्रति जो निवेशक हैं उनमें विश्वास जगा रहे, इसके लिए एक स्थायी संस्थागत फ्रेमवर्क का तैयार किया जाएगा। साथ ही साथ सेकेंडरी मार्केट लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए भी एक स्थायी संस्थागत फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा। आपने देख लिया यहां पर कि बॉन्ड क्या है, ये तो आपने देख लिया। अब ये सेकेंडरी मार्केट लिक्विडिटी क्या है उसको देखिए। एक कंपनी जब पहली बार अपने बॉन्ड को बाजार में इशू करती है तो इसे हम कहते हैं यहां पर प्राइमरी मार्केट। मतलब प्राइमरी मार्केट में किसके बीच रिलेशन है, संबंध है, कंपनी और निवेशक के बीच में। अब यहां पर है कि ये निवेशक जब कंपनी से प्राप्त बॉन्ड को किसी अन्य निवेशक को बेचता है, फिर ये निवेशक किसी अन्य निवेशक को बेचता है, तो अब यहां पर जो खरीद बिक्री हो रही है वो कहां पर हो रही है, वह हो रही है सेकेंडरी मार्केट में। तो यहां जो यह शब्द लिखा है कि सेकेंडरी मार्केट लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए
संस्थागत फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा, तो वह संबंधित किससे है, यहां से संबंधित है। फिर आगे देखिए कि सरकार गिफ्ट IFSC में एक विश्व स्तरीय फिनटेक हब विकसित करने के लिए समर्थन देगी। फिनटेक का यहां पर मतलब है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी हब, मतलब कि जो वित्तीय लेन देन है, इस वित्तीय लेन देन में तकनीक के प्रयोग को बढ़ावा देना, तकनीकी गत आधारित जो वित्तीय लेन देन है उसमें बढ़ोतरी करना। जरा बात करते हैं गिफ्ट और IFSC की। IFSC का फुल फॉर्म क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र या इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर। क्या होता है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र, तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में वित्तीय जो गतिविधियां होती है, चाहे वो बैंकिंग गतिविधियां हो, चाहे वो शेयर बाजार से संबंधित गतिविधियां हो, चाहे वो बीमा की खरीद बिक्री से संबंधित गतिविधियां हो, वह संपादित होती हैं। लेकिन यहां पर यह बात ध्यान रखने की है कि यहां पर जो भी आर्थिक लेन देन होते हैं उसे देश की जो हमारी घरेलू अर्थव्यवस्था है उससे बाहर की अर्थव्यवस्था मानी जाती है। मतलब ये कि बैंकिंग से संबंधित गतिविधियां, बीमा से संबंधित गतिविधियां सहित जो अन्य आर्थिक गतिविधियां हैं, अन्य वित्तीय गतिविधियां हैं, उस पर देश की घरेलू सीमा के भीतर जो नियम और कानून लागू होते हैं, ठीक वैसे ही नियम और कानून अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में लागू नहीं होते हैं। आखिर इसका क्या उद्देश्य होता है, इसका उद्देश्य होता है कि जो बाहरी निवेशक हैं उन बाहरी निवेशकों को निवेश करने के लिए आकर्षित करना वित्तीय गतिविधियों के क्षेत्र में, वित्तीय लेन देन के क्षेत्र में। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र ये कहां पर है, गुजरात के गांधीनगर में स्थापित किया गया है और इसका नाम क्या है, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी, जिसे हम कहते हैं गिफ्ट सिटी। मैंने पहले भी बात की अभी क्या कि जो IFSC है उसमें बैंकिंग, पूंजी बाजार और बीमा क्षेत्र को कई नियामकों अर्थात RBI, SEBI और IRDAI द्वारा नियंत्रित किया जाता है। आगे बढ़ता हूं, आगे बात करते हैं वित्तीय पूंजी की। इसमें आसान है, इसमें यह बात कही गई जो सोने के विनिमय होते हैं, जो एक्सचेंज होते हैं, उसको विनियमित करने के लिए एक व्यवस्था स्थापित की जाएगी और इस उद्देश्य के लिए SEBI को एक विनियामक के रूप में अधिसूचित किया जाएगा। मतलब SEBI एक विनियामक के रूप में होगी, किसके लिए, सोने के विनिमय को विनियमित करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए। उसके अलावा वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी को भी मजबूत बनाया जाएगा। वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी जो अथॉरिटी है, इसे 2007 में गठित किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य है वेयर हाउस से संबंधित नीतियों का निर्माण करना, जिसमें कि वेयर हाउस को विनियमित भी किया जाता है और उनका विकास भी किया जाता है। आगे देखते हैं वो क्या है, बीमा क्षेत्र में FDI को बढ़ाना। इस घोषणा से पहले बीमा क्षेत्र में FDI की सीमा थी कितनी, 49%। अब बजट में जो प्रस्ताव दिया गया है वो प्रस्ताव कितना है, वो प्रस्ताव है 74%। मतलब यहां पर यह है कि अब बीमा के क्षेत्र में जो FDI की ऊपरी सीमा है वो 49% से बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 74% कर दी गई है। आगे तनावग्रस्त परिसंपत्तियों का समाधान, इसका मतलब यहां पर क्या है, इसका मतलब है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, और ये किससे संबंधित होगा, ये संबंधित है बैंक से। इसके अंतर्गत यह घोषणा की गई है कि विभिन्न बैंकों के पास जो मौजूद NPA है, उस NPA के निपटान करने के लिए एक अलग से असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड और असेट मैनेजमेंट कंपनी का गठन किया जाएगा। तो कुल मिलाकर यहां पर बात यह है कि अगर A नामक एक बैंक है, इस बैंक के पास NPA है, तो इस तरह के असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के बन जाने के बाद जो एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होगी वह क्या करेगी, इस बैंक से इस NPA को ले लेगी। NPA का मतलब यहां पर यह है कि बैंक ने जो ऋण दिया है और ऋण प्राप्तकर्ता ने उस ऋण के बदले बैंक को जो जमानत दी है, वह जो जमानत है वह किसके पास चली जाएगी, ARC के पास चली जाएगी। ARC उसके बदले बैंक को भुगतान कर देगा। अब यह ARC की जिम्मेवारी होगी कि जो उसने जमानत प्राप्त की है उससे वह किस प्रकार से राशि को निकलवाता है।
तो कुल मिलाकर यहां पर यह है कि अब बैंक को एनपीए के समाधान के लिए अपने स्तर पर अब कोई अतिरिक्त कार्य नहीं करना है। यहां जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड और एसेट मैनेजमेंट कंपनी के गठन की बात की गई है, उसका जो प्रस्ताव रखा गया है, यह प्रस्ताव 2016-17 के आर्थिक सर्वेक्षण में यह प्रस्ताव लाया गया था और इसके लिए जिस संस्था की बात की गई थी उस संस्था का नाम था पारा, पब्लिक एसेट रिहैबिलिटेशन एजेंसी। तो उसी की तर्ज पे यहां पर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड और एसेट मैनेजमेंट कंपनी का गठन करने का प्रस्ताव रखा गया है। आगे हम बात करते हैं पीएसबी का पुनः पूंजीकरण, मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक जो है उसका रिकैपिटलाइजेशन किया जाएगा। तो फिर सरकार ने पब्लिक सेक्टर बैंक के रिकैपिटलाइजेशन की घोषणा की है, कितने 2021-22 में 20,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त पुनः पूंजीकरण इन बैंकों की जाएगी। जमा बीमा, अब इसके लिए क्या किया जाएगा, इसके लिए देखिए यहां पर यह है कि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन एक्ट 1961 में संशोधन करने का प्रस्ताव है। हमें यह पता है कि अगर एक बैंक का लाइसेंस समाप्त कर दिया जाता है या बैंक का लिक्विडेशन किया जाता है और अगर किसी व्यक्ति का उस बैंक में डिपॉजिट है तो उस डिपॉजिट पर इस एक्ट के द्वारा उसे एक इंश्योरेंस दिया जाता है। वह इंश्योरेंस की राशि कितनी है तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट इन दोनों को मिलाकर कितनी है, 5,00,000 रुपए। यहां जो संशोधन करने की बात कही गई है उस संशोधन करने का यहां पर अर्थ है कि अगर किसी बैंक का लाइसेंस समाप्त किया जा रहा है या उसकी परिसंपत्तियों का लिक्विडेशन किया जा रहा है, उसे अगर बेचा जा रहा है, तो फिर इस संशोधन के द्वारा आगे से यह होगा कि जब भी बैंक के लाइसेंस को समाप्त किया जाएगा या उसके लिक्विडेशन, उसकी परिसंपत्तियों का लिक्विडेशन किया जाएगा, तो फिर उसमें यह समय सीमा निश्चित होगी कि उसमें जो डिपॉजिटर है उस डिपॉजिटर को उसकी जो इंश्योरेंस है, जो इंश्योरेंस अमाउंट है, वो इंश्योरेंस अमाउंट उसे कब तक प्राप्त होगा। तो यहां जो आप ये देख रहे हैं कि इसमें संशोधन किया जाएगा, इसका उद्देश्य यह है। आगे देखिए, छोटे कर्जदारों के हितों को सुरक्षा प्रदान करने और क्रेडिट व्यवस्थाओं में सुधार लाने के लिए क्या प्रस्ताव किया गया, जरा उस पर गौर कीजिए। एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के लिए जिसकी न्यूनतम परिसंपत्ति मतलब मिनिमम एसेट 100 करोड़ रुपए तक की हो सकती है, उसके लिए यह प्रावधान किया गया है कि सरफासी एक्ट मतलब सिक्योरिटीज सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज का मतलब सरफासी एक्ट के तहत ऋण वसूली के लिए, ध्यान देगा, ऋण वसूली के लिए न्यूनतम ऋण सीमा को 50,00,000 रुपए के मौजूदा स्तर से कम किया गया। क्या किया गया, कम किया गया है और यह कम होकर अब कितना पे है, 20,00,000 रुपए किया गया। सरफासीज एक्ट 2002 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि बैंक या एनबीएफसी इस अधिनियम से शक्ति प्राप्त कर किसी ऋण प्राप्तकर्ता से, अगर उस ऋण प्राप्तकर्ता को जो ऋण दिया गया है वह एनपीए की श्रेणी में आ गया है, तो उसके जो जमानत जो उसने दी है ऋण प्राप्त करने के लिए उसको जब्त कर सकती है, उसे बेच सकती है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि सरफासी एक्ट के अंतर्गत पहले जो न्यूनतम ऋण सीमा थी 50,00,000 रुपए, उसे अब यहाँ पर क्या किया है, कम किया गया है, मतलब 20,00,000 रुपए किया गया है। तो इसका अर्थ है कि अब एनबीएफसी के पास पहले की तुलना में ऋण की उगाही की जो शक्ति है वह काफी बढ़ी है और इसके द्वारा यह फायदा होगा कि एनपीए के बढ़ने पर भी रोक लगेगी। आगे देखिए, कंपनी मामले, इसमें क्या किया गया वो देखिए। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कानून 2008 को क्या कर दिया जाएगा, अपराध मुक्त बनाया जाएगा, मतलब डीक्रिमिनलाइज किया जाएगा। इसका अर्थ क्या है, तो हमें यह पहले जानना है कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, इसका अर्थ यहां पर यह है कि इसमें हर एक पार्टनर का जो उत्तरदायित्व होता है वह काफी सीमित होता है और किसी अन्य पार्टनर के द्वारा किया गया मिसकंडक्ट जो है
वह अगर गैर कानूनी कोई कार्य है या कानून से अगर इतर कोई कार्य है तो फिर उसका उत्तरदायित्व उसी व्यक्ति पर होता है। उस कानून के उल्लंघन का भागी वही व्यक्ति होता है, ना कि अन्य पार्टनर होता है। यहां पर यह बात कही गई है कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कानून 2008 को क्या किया जाएगा, अपराध मुक्त किया जाएगा। साथ ही साथ जो स्मॉल कंपनी है, इस स्मॉल कंपनी की परिभाषा में भी संशोधन किया जाएगा। क्या परिभाषा में संशोधन किया जाएगा वो देखिए, तो कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत जो बजट में प्रस्ताव किया गया है, तो स्मॉल कंपनी वह कंपनी है जिसकी पेडअप कैपिटल, मतलब क्या, प्रदत्त पूंजी के लिए, ध्यान दीजिएगा, जो न्यूनतम सीमा कितनी थी 50 लाख रुपए, उसे अब बढ़ा दिया, कितना कर दिया गया, 2 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होना। मतलब एक स्मॉल कंपनी या कोई कंपनी स्मॉल कंपनी मानी जाएगी जब उसका पेड अप कैपिटल वह कितना, 2 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। और आगे जो कारोबार की न्यूनतम सीमा है, मतलब जो वह बिजनेस कर रहा है उसका जो टर्नओवर है, ठीक है, मतलब जितने वो वस्तु या सेवा की बिक्री कर रहा है, वह जो टर्नओवर है उसकी जो न्यूनतम सीमा, जो पहले 2 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए, वो अब कितनी हो जाएगी, 20 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो अब इसका बजट में जो प्रस्ताव किया गया है उसका अर्थ यहां पर यह है कि एक कंपनी को लघु कंपनी कही जाएगी अगर उस कंपनी का पेड अप कैपिटल 2 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, या अगर उसका जो टर्नओवर है वह 20 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है। क्या होता है पेड अप कैपिटल, देखिए पेड अप कैपिटल का अर्थ यहां पर यह होता है कि एक कंपनी को यह अधिकार दिया जाता है कि वह कितने शेयर की बिक्री कर सकता है, मतलब कितने शेयर की मात्रा को बाजार में बेच सकता है, तो उसे हम बोलते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल। लेकिन एक कंपनी जिसको जिस सीमा तक या जिस मात्रा तक शेयर बेचने की अनुमति होती है वह उस मात्रा तक शेयर की बिक्री नहीं करता है, वह क्या करता है, वह उससे कम शेयर की बिक्री करता है। तो देखिए क्या कर रहा हूं कि जितनी अनुमति मिली है वह हो गया ऑथराइज्ड कैपिटल, और जितने की वह बिक्री करता है उसे कहते हैं पेड अप कैपिटल। तो हमने यहां पर देख लिया कि स्मॉल कंपनी की क्या परिभाषा है। उसके अलावा देखिए कि स्टार्टअप और नवाचार के लिए काम करने वालों को ओपीसी, मतलब 1% कंपनी की मंजूरी देती, मतलब दे दी गई है। तो बजट 2021-22 के अंतर्गत यह प्रस्ताव दिया गया है, यह प्रस्ताव किया गया है क्या कि स्टार्टअप और नवाचार के लिए अगर कोई एक व्यक्ति भी कंपनी खोलना चाहता है तो वह व्यक्ति कंपनी खोल सकता है, क्योंकि पारंपरिक रूप से 2 व्यक्ति मिलकर एक कंपनी को खोलते हैं। फिर आगे देखें कि इसमें प्रदत्त पूंजी और टर्नओवर पर बिना किसी प्रतिबंध के उनकी प्रगति को अनुमति देना है। अगर एक व्यक्ति स्टार्टअप और नवाचार से संबंधित अगर कोई कार्य करता है तो उसमें यह भी नहीं देखा जाएगा कि प्रदत्त पूंजी और टर्नओवर वह उसकी कितनी है। आगे देखिए कि अगर कोई भारतीय नागरिक ओपीसी स्थापित करना चाहता है तो पहले निवास की अवधि कितनी थी, 182 दिन, अब वो घट गया, अब कितना हो गया, 120 दिन, मतलब भारत में निवास करने की जो उसकी अवधि है, जो पहले 182 दिन थी अब वो घटकर कितनी होगी, 120 दिन। और जो गैर प्रवासी भारतीय है, जो एनआरआई है, एनआरआई भी भारत में ओपीसी स्थापित कर सकते हैं, उन्हें भी अनुमति दी गई, मतलब 1% कंपनी। उसके अलावा जो मामले हैं उन मामलों में तेजी से समाधान के लिए बजट 2021-22 में भी कुछ प्रस्ताव किए गए, जैसे नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के ढांचे को और मजबूत किया जाएगा, ई कोर्ट प्रणाली को लागू किया जाएगा, उसके बाद ऋण समाधान के वैकल्पिक तरीकों को शुरू करना, और माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए एक विशेष ढांचा का निर्माण करना, साथ ही साथ डाटा विश्लेषण, कृत्रिम बौद्धिकता मशीन, शिक्षा जनित MCA 21 वर्जन 3.0 की शुरुआत करने का प्रस्ताव बजट में रखा गया है, जिसमें ई स्क्रूटनी, ई सलाह, ई अनुपालन शामिल होगा। तो कुल मिलाकर यहां पर यह कि जो कॉरपोरेट सेक्टर है, उस कॉरपोरेट सेक्टर से संबंधित जो मामले हैं, उन मामलों में तेजी से समाधान के लिए ये सारे के सारे प्रस्ताव बजट 2021-22 में रखे गए हैं। अब हम बात करते हैं
विनिवेश और रणनीतिक बिक्री की। सबसे पहले बात करते हैं कि विनिवेश क्या है और रणनीतिक बिक्री क्या है। विनिवेश के अंतर्गत यह होता है कि किसी सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित लोक उपक्रम में सरकार की हिस्सेदारी में कमी होती है। और अगर हम रणनीतिक बिक्री की बात करें तो इसके अंतर्गत सरकार एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के स्वामित्व और प्रबंधन को निजी क्षेत्र को हस्तांतरित कर देती है। मतलब ये कि एक सार्वजनिक लोक उपक्रम के स्वामित्व एवं प्रबंधन का हस्तांतरण निजी क्षेत्र को हो जाता है। अब हम यह देखते हैं कि बजट 2021-22 में विनिवेश और रणनीतिक बिक्री से संबंधित क्या घोषणाएं की गई हैं। घोषणा के अंतर्गत सबसे पहली बात यहां पर यह है कि 2021-22 में ये जो कंपनियों की यहां पर सूची दी गई है, इन कंपनियों के में से संबंधित जो कई उद्यम हैं उसमें विनिवेश को पूरा कर लिया जाएगा। उसके अलावा वित्तीय वर्ष 2021-22 में IDBI बैंक के अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के दो अन्य बैंकों और एक साधारण बीमा कंपनी का भी निजीकरण किया जाएगा, ऐसी घोषणा की गई है। अब यहां पर यह कि वो कौन से दो पब्लिक सेक्टर बैंक्स होंगे ये अभी स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता। फिर आगे देखिए कि 2021-22 में ही जीवन बीमा निगम या LIC का IPO भी सरकार लाने वाली है। और सरकार जो 2021-22 में LIC से संबंधित IPO लाएगी तो उससे संबंधित जो आवश्यक संशोधन होगा उस संशोधन को इसी बजट सत्र में लाया जाएगा जो बजट सत्र अभी चल रहा है। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत वित्त मंत्री ने यह घोषणा की थी कि सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम है, मतलब पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज जो है, उससे संबंधित एक रणनीतिक विनिवेश से संबंधित नीति भी जारी की जाएगी। तो वित्त मंत्री के अनुसार सरकार ने इससे संबंधित जो नीति है उसको अपनी स्वीकृति दे दी है। पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस को दो भागों में बांटा जाएगा, एक रणनीतिक क्षेत्र से संबंधित होगा और दूसरा गैर रणनीतिक क्षेत्र से संबंधित होगा। रणनीतिक क्षेत्र के अंतर्गत वित्त मंत्री के अनुसार सरकार ने ऐसे चार क्षेत्रों को चुना है जो रणनीतिक क्षेत्र है और जहां पर सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, मतलब इन चार क्षेत्रों में जो केंद्रीय सार्वजनिक लोक उपक्रम होगा उसमें सरकार की जो हिस्सेदारी है उसके एक स्तर को बनाए रखा जाएगा, जबकि इससे भिन्न जो गैर रणनीतिक क्षेत्र से संबंधित केंद्रीय सार्वजनिक लोक उपक्रम होंगे उसका या तो निजीकरण कर दिया जाएगा अन्यथा उन्हें बंद कर दिया जाएगा। और रणनीतिक क्षेत्र से संबंधित जो विनिवेश हैं उस विनिवेश में तेजी लाने के लिए साथ ही साथ ऐसी केंद्रीय सार्वजनिक कंपनियों की सूची को तैयार करने के लिए नीति आयोग के द्वारा कार्य किया जा रहा है। सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 में विनिवेश से 1,75,000 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद जताई है, जबकि चालू वित्तीय वर्ष यानी कि 2020-21 में विनिवेश से 2.1 लाख करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद जताई गई थी। अब तो यह अगले वित्तीय वर्ष में हमें यह पता चलेगा कि चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में सरकार ने जो विनिवेश से प्राप्त राशि का लक्ष्य रखा है आखिर सरकार उस लक्ष्य को प्राप्त करती है या नहीं करती है, मतलब उससे ज़्यादा प्राप्त करती है, उसके बराबर प्राप्त करती है या उससे कम प्राप्त करती है। तो इस वीडियो में हमने बजट 2021-22 में बजट प्रस्ताव जो 6 स्तंभों पर आधारित है उसमें से हमने दूसरे स्तंभ पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे हम अपने अगले स्तंभों के साथ। नमस्कार।
Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.